इसी एक्ट में 2000 के इनामी फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। खबर पिछोर थाना से है, जहां पर 6 सितंबर 2024 को सूचनाकर्ता देवेंद्र दांगी सहकारी निरीक्षक के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान रेवी में खाद्यान्न वितरण में 4,37,525 रुपये का गबन किया गया। रिपोर्ट पर से आरोपी गढ़दातार सिंह यादव निवासी रेबई इमरत पाल निवासी कमलापुर रविंद्र लोधी निवासी मादून कला के विरुद्ध थाना पिछोर पर अपराध क्रमांक 425-24 धारा 37 EC एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के द्वारा प्रकरण में धारा 316(5)(BNS) इजाफी की गई और आरोपी गढ़ की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। आरोपी गढ़ गिरफ्तार हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,000-2,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय मूले के निर्देशन में और पिछोर SDOP प्रशांत शर्मा जी के मार्गदर्शन में फरार आरोपी इमरत पाल पुत्र प्रताप लाल उम्र 57 साल निवासी ग्राम कमलापुर को आज सुबह 10 बजे मुखबिर की सूचना पर बदनपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है पूछताछ में, और गिरफ्तार शुदा आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में पिछोर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई उन्नी BL दोहरे उन्नी संजय लोधी सोनी जहां सिंह अरविंद यादव आरक्षक मांगीलाल गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही। दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। सर आज जो 2000 का इनामी आरोपी पकड़ा गया उस मामले के क्या है सर ये पूरा मामला? ये क्या है 6/9/24 का जो है अपराध पंजीबद्ध था। आरोपी काफ़ी दिनों से जो है फरार चल रहे थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है 2000 रुपये का इनाम घोषित किया है। एक जो है नजडेट पकड़ा गया, एक आज पकड़ा गया जिसके अमृत पाल है। अपराध क्रमांक 425/24 धारा 3/7 उसमें इजाफा की गई है 316(5) इसमें जो है फरार था वो। आज उसको जो है अपने बदलपुर राय से वो कहीं जाने के प्राग में था, उसको पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की न्यायालय पेश किया है। अच्छा सर कितने बजे पकड़ा है जी इसको? आज पकड़ा है सुबह 10:30 बजे।